दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ मैं। तो अगर आप कनाडा आते हो, किसी भी प्रोविंस में अगर आते हो, तो कनाडा में का जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। इस पब्लिक लाइब्रेरी का खासियत होता है कि अगर आपके पास अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए और वो बुक अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लाइब्रेरियन को बोलोगे तो वो ऑर्डर करके आपके लिए ले आएगा। ठीक है, शायद एक महीना टाइम लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बुक आपको चाहिए, लेकिन वो आपको ला के देगा। मतलब दिस इज द लाइक नो ओनरशिप एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी। और यहाँ का जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो देखने लायक होता है दोस्तों। अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स होता है, सभी कैटेगरी के बुक्स होता है। आप पब्लिक लाइब्रेरी आके प्रिंट आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रिंट आउट की ज़रूरत है, अगर आपको जेरोक्स करने की ज़रूरत है, फोटोकॉपी करने की ज़रूरत है, और अगर आपके घर में स्कैनर प्रिंटर अगर नहीं है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में आके आप फ्री में कर सकते हो। इसके लिए पैसा नहीं लगता है, बस आपको पहले पब्लिक लाइब्रेरी आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, और आपके फैमिली के जितना भी मेंबर है, राइट, हस्बैंड वाइफ बच्चे जितना भी है, सबके लिए एक लाइब्रेरी कार्ड आप कर सकते हो। और हर किसी के लिए एक मंथली कोटा होता है, $5 या $6 ऐसा कुछ है। तो $5 का प्रिंट आउट आप कर सकते हो फ्री में, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक एक प्रिंट आउट के लिए शायद 10 सेंट्स 15 सेंट्स ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से हर महीने में $5 तक आपके पास लिमिट है, आप फ्री में प्रिंट आउट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और जब भी आप बुक लेते हो लाइब्रेरी से, आप एन नंबर ऑफ बुक्स ले सकते हो, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं तो आप जितना चाहे बुक ले लो, जाके उसको दो, वो पढ़ेगा। आपको 21 दिन के अंदर आपको वापस करना होता है, 21 डेज। और अगर आप 21 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाते हो, आप उस बुक को फिर से रिन्यू कर सकते हो। आप यहाँ पे आकर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप और 21 दिन रख सकते हो, मतलब टोटल 6 वीक्स आप उस बुक को रख सकते हो घर में। एंड उसके अंदर उसके बाद आपको वापिस करना है, और वापिस करते टाइम अगर आप उस टाइम के लाइक नो विद इन दैट टाइम अगर आप रिटर्न नहीं करते, तो आपको फाइन देना पड़ता है। वो फाइन मिनिमम होता है, लेकिन एक फाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी होता है कि लाइब्रेरी का वो टाइम होता है, शाम को 5 बजे तक या 8 बजे तक खुला होता है। जैसे आज भी आया हूँ, मेरे बच्चों के इतना सारा बुक्स बहुत दिनों से पढ़ा था मेरे घर में। ये लोग तो पढ़ते कम है, पिक्चर ज़्यादा दिखते हैं, ये सब देखो पिक्चर ज़्यादा होता है, राइट, बच्चों का जो बुक्स होता है तो पढ़ाई कम करते हैं, पिक्चर ज़्यादा देखते हैं। तो आज मैं रिटर्न करने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी लाइब्रेरी ऑलरेडी बंद हो गया। मैं आके देखा कि लाइब्रेरी ऑलरेडी बंद है, और मैंने नोटिस नहीं किया था कि लेकिन यह कितना बजे तक खुला रहता है, क्योंकि इन लोगों का बहुत सारा कम्युनिटी प्रोग्राम भी होता है। अभी समर चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी प्रोग्राम होता है, स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है, तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होगा शायद, लेकिन अभी बंद है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ड्रॉप इन फैसिलिटी है। जब आप किताब को जब वापस करते हो, आप आके देखो, लाइब्रेरी के पीछे लिखा है, मैं लाइब्रेरी के पीछे आया हूँ, और इधर लिखा है देखो लाइब्रेरी रिटर्न। तो बस मुझे यहाँ से बस ड्रॉप इन कर देना है और कुछ नहीं करना है। कोई स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैंप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब ऑफिशियल आवर्स में जब ये लोग ओपन होगा, ये लोग यहाँ से जितना भी रिटर्न जो भी बुक रिटर्न कर रहे हैं, वो अपना लाइक नो वो रजिस्टर कर देगा। तो आपके लाइब्रेरी के कार्ड के अगेंस्ट में जो आपने बुक लिया था, वो इन लोगों के पास वापस आ जाएगा, तो आपको फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी वे, तो अगर आप कनाडा में न्यू कॉमर्स हो, और अगर आपको ये जानकारी नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी हर जगह में है। आप जिस भी जगह में रहते हो, जिस भी प्रोविंस में रहते हो, जिस भी सिटीज़ में रहते हो, आप गूगल मैप में जाके नियर बाई पब्लिक लाइब्रेरी ढूंढिए, पब्लिक लाइब्रेरी जाइए, आप जाके फ्री में कार्ड कीजिए, और फ्री में कार्ड करने के बाद इन लोगों का जितना भी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ है, सब फैसिलिटीज़ को आप अवेल कीजिए। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होता है, ठीक है। मैं तो ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है, और अगर आपके बच्चे हैं, इसलिए आपको अगर प्रिंट आउट करना है या स्कैनिंग करना है या ऐसे कुछ करना है जो आपके घर में अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप पब्लिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, अभी मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ सभी बुक्स को, तो बस इधर से मुझे डाल देना है अंदर, बस आई एम ऑल सेट। तो मैंने लिया था, मेरे तो हो गया शायद 21 दिन से ज़्यादा ही हो गया शायद, पता नहीं मेरा फाइन आएगा नहीं आएगा, बट दिस इज़ द वे। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, एंड आई होप ये आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप नोवा स्कोशिया आते हो, हैलिफैक्स आते हो, हैलिफैक्स के जो पब्लिक लाइब्रेरीज होता है काफ़ी अच्छा होता है। और ये पीछे देखिए, पिक्चर कितना बढ़िया है दोस्तों, ये पिक्चर है, वॉल पेंटिंग है, कितना बढ़िया है देखिए। मुझे ऐसा पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर कुछ जानना है, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने चैनल में कनाडा के ऊपर ऐसे बहुत सारा वीडियोस लेके आता हूँ जो डेली लाइफ में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सो देखते रहिए, थैंक यू।